विभोग किचन टिप्स ब्लॉग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, किचन की नई टिप्स लेकर हाजिर हुए। आज हम आपको बताएंगे लिक्विड बनाने का तरीका। ये देखें कूलर का हालात कैसे ख़राब हो चुके हैं। ये देखें अब इसको साफ़ करने का तरीका बताएंगे। ये हमारे हाँ खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, उससे ये देखिए वाइट वाइट दाग पड़ जाते हैं प्लास्टिक पे। आज हम आपको बताएंगे कूलर साफ़ करने का तरीका। ये देखें एक चम्मच बेकिंग पाउडर, नमक, सरफ, लिक्विड कोई भी जो आपके घर में मौजूद हो। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक बोतल में डालेंगे स्प्रे वाली। ये देखिए कैसी माशाल्लाह लिक्विड तैयार हो गया है। ये हमारा लिक्विड तैयार हो चुका है। अभी हम स्प्रे वाली बोतल में डाल के पूरे वाटर कूलर पे स्प्रे करेंगे। स्प्रे अच्छी तरह स्प्रे करें। वीडियो को आखिर तक वॉच किया करें। जिस पे अच्छी तरह स्प्रे हो चुका है, आपको साफ करके बताएंगे। दो तीन मिनट के लिए छोड़ दें स्प्रे करने के बाद, उसके बाद आप इसको वॉश करें। ये देखिए माशाल्लाह कैसे बिल्कुल नया हो चुका है। ये देखिए कैसे चमक रहा है, बिल्कुल वाइट और नया, अच्छा और ज़बरदस्त हो चुका है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताइएगा। अक्सर बच्चों के स्कूल थर्मास ख़राब हो जाते हैं, लाइनें पड़ जाती हैं। हम आपको बताएंगे उसको भी साफ करने का तरीका, जो हमने लिक्विड बनाया था उससे। थर्मास वगैरह कैसे बिल्कुल नए और साफ़ हो जाते हैं। ये देखिए थर्मास कैसे चमक चुका है, बिल्कुल नया हो चुका है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। अल्लाह हाफिज़।